ये कहानी है यान मार्डन बोरोग और उसकी खेले जाने वाली गेम ग्रैंड टूरिस्मो की। अगर हम पहले इस गेम की बात करें तो ये गेम एक रेसिंग सिमुलेटर है, मतलब इस गेम को बिल्कुल रियल लाइफ की तरह बनाया गया था। और यान का भी रेसिंग में बचपन से ही इंटरेस्ट भी है, पर उसके डैड चाहते हैं कि वो अपने छोटे भाई की तरह बाहर आउटडोर गेम्स खेले, पर यान को ये सब नहीं पसंद। यान को तो बस अपनी गेम की कार में ही दिलचस्पी थी और वो उनके बारे हर एक छोटी से छोटी चीज जानता और गेम भी ऐसे ही खेलता जैसे सच में कार ड्राइव कर रहा हो। इसी के दूसरी तरफ निसान कंपनी का ये आदमी डैनी मुरे आज टोक्यो में इसी गेम के बारे एक प्रेजेंटेशन देता है, जिसमें उसने कहा कि ये गेम इतनी रियल है कि इसे 80 मिलियन से भी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और उसका प्लान है इन 80 मिलियन गेमर्स में से एक सबसे बेहतरीन वीडियो गेमर को उठा उसे असली का कार रेसिंग चैंपियन बनाने का, जिस वजह से जो बाकी 80 मिलियन लोग हैं वो भी असली गाड़ी चलाने की चाह रखेंगे और उनकी सेल्स बढ़ेगी। निसान कंपनी को डैनी का यह आइडिया पसंद आया, पर वो आगे बस एक शर्त पर बढ़ेंगे, जो थी कि डैनी को एक सर्टिफाइड चीफ इंजीनियर की मंजूरी लेनी पड़ेगी कि ये करना बिल्कुल सेफ है। पर ये काम इतना भी आसान नहीं। डैनी ने बहुत जगह कॉल की पर कोई राजी ना हुआ। अब बचा था बस एक आखिरी नाम, जैक सोल्टर। जैक सोल्टर टीम कापा के लिए इंजीनियर का काम करता था। डैनी ने उसे मिलकर अपना सारा प्लान बताया, पर जैक को भी उसका ये प्लान पागलपन ही लगा। उसने कहा कि अपने बेड पर बैठा वीडियो गेम खेलता एक बच्चा असली रेसिंग कार नहीं चला सकता। गेम में अगर गाड़ी ठुक गई तो रीसेट का बटन है, पर यहाँ नहीं। डैनी यहाँ जैक को कहता है कि क्या तुम एक और मौका नहीं चाहते कम्पीट करने का, पर जैक बस ये कहे कि अब वो बातें पुरानी हो गई हैं, वहाँ से निकल गया। उस रात उसकी एक टीम मीटिंग थी, पर यहाँ जैक जैसे ही अपने रेसर को एक सलाह देता है, रेसर उल्टा जैक पर ही भड़क गया कि तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले, यहाँ भरे टेबल पर अपनी बेइज्जती होते देख जैक ने तुरंत ही डैनी को कॉल लगाई और कह दिया कि मैं तैयार हूँ। इधर यान अपने जॉब पर था और तभी उसका दोस्त उनके गेमिंग कैफे में देखता है कि यान के नाम पर एक मैसेज आया हुआ है। वो GT यानी ग्रैंड टूरिज्मो एकेडमी में जाने के लिए होने वाले कंपटीशन में सेलेक्ट हो चुका है। कल एक ऑनलाइन रेस होगी जिसे जीतने वाले जाएंगे सीधा GT एकेडमी और बनेंगे एक असली रेसिंग कार ड्राइवर। अब ये सुन जैसे यान का तो सपना ही सच सा हो गया हो, वो तो हमेशा से ही एक असली रेसर बनना चाहता था। उसे आज रात वैसे तो प्रैक्टिस करनी थी, पर उसका छोटा भाई कोबी उसे बाहर उसके साथ चलने के लिए मना लेता है, ये कहकर कि वहाँ ऑड्री भी आएगी। ऑड्री वो लड़की है जिसपे यान को काफी समय से क्रश था और आज वो लोग बात कर रहे हैं अपनी फेवरेट जगहों के बारे में कि वो कहाँ जाना पसंद करेंगे, पर तभी वहाँ पुलिस आ गई। यान और उसका भाई वहाँ से गाड़ी में निकले, पर उनके पीछे पुलिस लग गई। यान किसी तरह अपनी कमाल की ड्राइविंग स्किल्स दिखाकर उनको वहां से निकालता है, पर इन सब में उनके डैड की गाड़ी का साइड वाला शीशा टूट गया, तो वो अगले दिन यान को ले गए अपने साथ अपने काम पर। अब आज तो यान की गेम भी थी। उसके डैड यान को कहते हैं कि तुम यहाँ इसलिए नहीं हो क्योंकि तुमने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ा, तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि अगर तुमने वो गेम छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें भी एक दिन ऐसा ही काम मिलेगा। वीडियो गेम्स खेलकर कोई रेसर नहीं बनता, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ये सब सुनते ही यान वहाँ से निकल गया। उसकी गेम बस शुरू ही होने वाली थी। वो बिल्कुल पूरे टाइम पर अपनी गेम में पहुँचा। वो अभी 17th पोजीशन पर था और अगर उसे GT एकेडमी में जाना है तो 10 लैप्स यानी ट्रैक के 10 चक्कर लगा फर्स्ट आना होगा। यान अपना इतने सालों का गेमिंग एक्सपीरियंस लगा धीरे धीरे सबको पीछे छोड़ रहा है। आखिरी में वो रेस जीत गया। अब जैसे ही ये बात उसके घर पर पता लगी,
उसके डैड डरने लगे कि तुमने कभी असली गाड़ी नहीं चलाई, ये सब तुम कैसे कर पाओगे। पर यान अपना बचपन का सपना पूरा करने जीटी एकेडमी पहुंच जाता है। यहाँ पूरी दुनिया में से 10 रेसर्स सेलेक्ट किए गए थे और इनमें से जीतने वाला बस एक रेसर ही ज्वाइन करेगा टीम निसान। वहां जैक सोल्टर का भी इंट्रोडक्शन हुआ। जैक अपने स्पीच में सबको डरा देता है कि रेसिंग कोई गेम नहीं, असली रेस करते हुए जो ग्रेविटेशनल फोर्स तुम झेलोगे वो बहुत ज्यादा होती है और ऐसे ही हालातों में तुम्हें वो मुश्किल फैसले लेने होंगे जिनकी वजह से तुम्हारी जान तक जा सकती है। जैक उन सबको आखिरी मौका देता है कि जो इस रिस्क से डर रहा है वो अभी के अभी यहाँ से चला जाए, पर उनमें से कोई ना हिला। वो सभी लोग कार चलाने लगे, पर ये एक्सपीरियंस एक कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैट गेम खेलने से काफी अलग था। उन सब की प्रैक्टिस शुरू हुई। इस प्रैक्टिस में सबसे आगे था मैटी। सभी गेमर्स को फिजिकल ट्रेनिंग भी करनी पड़ रही थी जो काफी थकाऊ है, और उनकी ट्रेनिंग करवा रहा जैक भी सब पर बहुत कठोर था। उसने एक एक कर सब बेकार ड्राइवर्स को निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि आखिरी में बस बेस्ट 5 ही बचने वाले हैं, जिनमें होगी एक फाइनल रेस और डिसाइड होगा विनर। यान टॉप 5 में नहीं था, उसे इस प्रैक्टिस रेस में अपने आप को साबित करना होगा। पर इसी रेस में उसकी ब्रेक्स में कुछ खराबी आ गई और वो सीधा जा टकराया टायर्स के अंदर। यान बार बार कहता है कि मैंने ब्रेक्स लगाई थी, पर जैक उसकी बात पर विश्वास करने को राजी नहीं। यान टॉप 5 में नहीं था तो अब उसे शायद यहाँ से जाना होगा, पर यान अपनी बात पर अड़ गया कि उसने ब्रेक्स लगाए थे, ब्रेक पैड फिसल रहे थे और इसी वजह से ब्रेक्स नहीं लगे। जैक सामने से कहता है कि तुम्हें कैसे पता, तुमने वीडियो गेम में गाड़ी चलाई है, रियल लाइफ में नहीं। पर जब गाड़ी की टेस्टिंग हुई, गाड़ी के ब्रेक पैड सच में फिसल रहे हैं। जैक ने यान की कार की नॉलेज देख उसे एक मौका दिया। अब वो टॉप 5 में है, जिनकी फाइनल रेस कल सुबह होगी। पर आज रात को रिलैक्स होने के लिए यान अपने फेवरेट सिंगर को सुन रहा था, ये गाना उसे हमेशा रिलैक्स करता है। अगला दिन हुआ, सब लोग रेस के लिए एकदम तैयार है। उन सभी के पास ये आखिरी मौका था अपने आप को साबित करने का, क्योंकि इन पांचों में से विनर बस एक होगा। रेस शुरू हुई, यान सबसे पीछे है, पर वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वो जल्द ही सेकंड नंबर पर आ गया। जीतने के लिए उसे मैटी को पीछे छोड़ना होगा। उन दोनों के बीच कांटे की टक्कर चल रही है, कभी यान आगे है तो कभी मैटी। पर आखिरी मोमेंट में कौन जीता इसका पता उन्हें स्लो मोशन देखकर ही पता लगेगा। जैक और डैनी ने स्लो मोशन देखा जिसमें जीता था यान, पर डैनी ने जैक को विनर अनाउंस करने से रोक दिया। उसने जैक को शांत कर पूछा कि क्या हम यान को विनर घोषित कर दें जो प्रेस के सामने बोलने से डरता है, या मैटी को विनर बनाएं जो सब चीजों में अच्छा है। मैटी सिर्फ कुछ ही मिलीसेकंड्स पीछे था, पर जैक ने यान को विनर घोषित किया। उसने अपनी जीत सेलिब्रेट की, अपने घर भी बताया। आज वो जेट से वियना जा रहा है। निसान कंपनी यान को फंड करने को राजी है, पर उसके लिए पहले यान को रेसिंग लाइसेंस पाना होगा। उसे यूरोपियन सीरीज में होने वाले सभी मैचेस में से एक मैच में फोर्थ आना होगा और उसे लाइसेंस मिल जाएगा। पर ये काम सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि यहाँ उसका कंपटीशन गेमर्स के साथ नहीं, रियल रेसर्स के साथ है। रेस शुरू हुई, यान 10th पोजीशन पर है। वो पिछली रेस की ही तरह धीरे धीरे एक एक कर आगे बढ़ रहा था। उसने कापा को पीछे छोड़ 4 नंबर पकड़ लिया, पर कापा उसे इतनी आसानी से जीतने नहीं देगा। कापा ने उसे टक्कर मार दी और उसकी गाड़ी घूमकर रोड के साइड में जा गिरी, और जहां वो नंबर 4 आकर अपना लाइसेंस ले सकता था वो आया 27th,
डैनी और जैक ने उसे संतावना दी कि कोई बात नहीं, अभी 6 मैचेस और हैं। पर इन 6 में से 5 मैचेस भी ऐसे ही निकल गए और यान लाइसेंस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। वो मेहनत कर रहा था पर कामयाबी नहीं मिल रही। आज आखिरी मैच में उसे कुछ भी करके क्वालिफाई करना होगा। रेस करते हुए यान ने फुल फोकस किया और कापा को पीछे छोड़ 4th प्लेस ले लिया। अब यान को अपने आगे जाते देख कापा ने स्पीड बढ़ा दी, जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। कापा की गाड़ी का टायर यान की गाड़ी के शीशे पर आ लगा था, तो उसे जल्द से जरूरी रिपेयर्स करवाने पड़े। अब तक उसने रेस में जितनी बढ़त ली थी वो खत्म हो गई, पर यान अपना हौसला बिना हारे रेस में फिर गया और बेहतरीन रेसिंग कर 4th प्लेस ले आया। अब यान को रेसिंग लाइसेंस मिल जाएगा और वो टीम निसान में ऑफिशियली आ पाएगा। यान और जैक यही चीज सेलिब्रेट करते हैं, जहां जैक यान को कहता है कि जो तुम्हें अब पैसे मिलेंगे एक काम करो उससे, उस लड़की के लिए जो तुम्हारे दिमाग में सारा टाइम छाई रहती है, उसके लिए एक एरोप्लेन टिकट लो और उसे अपने साइनिंग इवेंट में बुला लो। यान ने अगले ही पल ऐसा ही किया। वो ऑड्री को कॉल कर उसे टोक्यो बुला लेता है, जहां उसका साइनिंग इवेंट होने वाला था। यान यहां ग्रैंड टूरिज्मो गेम के क्रिएटर से मिला और उसने ऑफिशियली टीम निसान ज्वाइन की। पर ये सब करते ही वो और ऑड्री टोक्यो घूमने निकल गए। उन्होंने एंजॉय किया, साथ में काफी वक्त बिताया। पर आज जर्मनी में यान की एक रेस होने वाली है, दुनिया के सबसे खतरनाक ट्रैक पर। उसके घर वाले भी ये रेस देख रहे थे। रेस शुरू हुई, यान बिल्कुल सही तरीके से रेस कर रहा है। उसने सबसे आगे बढ़ने के लिए अपनी रेस बढ़ाई, पर तभी अचानक उसकी गाड़ी हवा में उड़ने लगी। यान का यहाँ एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। उसे हेलीकॉप्टर के जरिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां जब यान को होश आता है उसे पता लगा कि उसके इस एक्सीडेंट में एक दर्शक की भी जान चली गई। जैक और डैनी यान को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, वो एक बुरा एक्सीडेंट था। पर यान अपने हाथों किसी का खून होते देख रोने लगा। सभी लोग इस घटना से दुखी थे। जैक यान को उसी जगह पर ले गया जहां ये एक्सीडेंट हुआ था और उसने यहां यान को बताया कि 40 साल पहले उसका भी एक ऐसा ही एक्सीडेंट हुआ था। उसके आगे चलती गाड़ी पलटियां खाते हुए जल गई और उस गाड़ी का ड्राइवर मौके पर ही मर गया। इस चीज से जैक की रेस करने की हिम्मत टूट जाती है और वो फिर कभी स्टीयरिंग व्हील नहीं पकड़ पाया। अब यहाँ पर जैक यान को कहता है कि जो गलती मैंने की थी रेसिंग छोड़ने की, वो तुम मत करना, क्योंकि रेसिंग छोड़ने के बाद मैं कभी अपने टैलेंट को आगे नहीं ला पाया। तुम एक बेस्ट रेसर बन सकते हो, बस उसके लिए तुम्हें हिम्मत जुटा वापस ट्रैक पर जाना होगा। जैक ने यान से गाड़ी चलवाई और जो रेस एक्सीडेंट की वजह से बीच में छूट गई थी वो पूरी करवाई। वो दोनों जब वापस अपने होटल पर जाते हैं तो डैनी उन्हें बताता है कि रेसिंग कमीशन ने तो इस एक्सीडेंट की घटना से यान को क्लियर कर दिया है, पर कापा और बाकी रेसिंग टीम्स यान का विरोध कर रही हैं कि उसका लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए। तो अब यान को अपने आप को पूरी दुनिया के सामने साबित करना होगा, जिसके लिए वो करेंगे लेमांस की रेस। इस रेस में टोटल 3 ड्राइवर्स चाहिए होते हैं। जीटी एकेडमी में यान के साथ आए मैटी और अंटोनियो इसमें उसका साथ देंगे, क्योंकि लेमान की रेस कुल 24 घंटों की होती है, तो उन्हें शिफ्ट में गाड़ी चलानी होगी। इस रेस को देखने यान के डैड भी आए। वो भी आज खुलकर यान को कह देते हैं कि मुझे तुम पर नाज है बेटा। वो दोनों ही इमोशनल हो गए। डैनी और जैक अपनी टीम को प्रेप टॉक देते हैं। लेमान 24 रेस शुरू हुई। गाड़ियां ट्रैक पर फुल स्पीड से भाग रही हैं। यान भी फुल स्पीड में था,
पर उसके आगे वाली गाड़ी का उसके सामने ही एक्सीडेंट हो गया, उसमें आग लग गई। यान को ये सब देख अपना एक्सीडेंट याद आ जाता है, उसका पूरा फोकस टूट गया, उसका ध्यान रेस ट्रैक पर है ही नहीं, बाकी कार्स उससे आगे निकलने लगी। जैक रेडियो पे यान से बात करने की कोशिश करता है, पर वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा। तो जैक ने उसे शांत करने और उसका फोकस ट्रैक पर लाने के लिए वही गाना रेडियो पर चला दिया जो वो रेस से पहले सुनता था। यान का ध्यान वापिस से ट्रैक पर आ गया। अब बारी थी आगे बढ़ने की, वो फिर से फुल स्पीड में आगे बढ़ने लगा। एक एक कर यान सबको पीछे छोड़ रहा था। ड्राइवर बदला गया, मैटी ने भी अच्छा परफॉर्म किया। बारिश आने लगी, रेस करना और भी मुश्किल होता जा रहा था, पर यान भी अड़ा रहा। बारिश हवा आज उसे कुछ नहीं रोक पा रहा। धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ रहे थे, पर सुबह होते ही अंटोनियो थक गया। फोर्थ पोजीशन से वो लोग फिफ्थ पर आ गए। अब रेस जीतने का सारा जिम्मा यान पर था, तो ड्राइवर चेंज करते हुए गाड़ी के टायर का एक नट घूम गया। फिफ्थ से वो लोग नाइन्थ पर आ गए। मुश्किलें और बढ़ गई, रेस जीतने के लिए यान को कुछ अलग करना होगा। तो वो अपनी कंप्यूटर की एक स्ट्रेटजी यहाँ लगाता है। उसने रियल रेस को ही कंप्यूटर गेम समझ लिया। रिस्क बहुत बड़ा था, पर डर के आगे जीत है। यान बाकी कार्स को पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। वो फोर्थ पर है, थर्ड आने और पोडियम पर जाने के लिए उसे थर्ड पर चल रहे कापा को हराना होगा। उनके बीच की टकरार शुरू हुई और ये टकरार जीती यान ने। उसके सभी टीम मेंबर्स खुशी से झूल उठे। एक वीडियो गेम रेसर ने असली रेसर्स के बीच रहकर ये रेस जीत ली, वो थर्ड आ चुका है। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो हम बता दें कि ये मूवी एक बिल्कुल ही असली कहानी पर आधारित है। यान मार्डनबोरोग नाम का ये लड़का सच में एक वीडियो गेमर से दुनिया का बेस्ट रेसर बना था। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे आपको ऐसी ही किसी और मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।